और उसी रूप में हम आगे बढ़ेंगे। हम उम्मीद है कि जो लोगों को बंधक बना रखा है, वहाँ बंधक बाउंसर लगा रखे हैं, उनके फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हमें किसी ढंग से कैसे हम बाहर निकले हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उनमें से कई लोग जब ये आएंगे तो वो हमारे साथ वोट करेंगे। और हमारे उसके अलावा भी हमारे पास पूरी मेजोरिटी सब तरह से, और उसी मेजोरिटी के आधार पर हम हाउस में जाएंगे, बहुमत साबित करके दिखाएंगे। देखो ईडी की कार्रवाई हो, इनकम टैक्स की हो, सीबीआई को 6 साल लगातार मैं खुद बोल रहा हूँ, पूरा देश बोल रहा है, जिस प्रकार से कार्रवाई शुरू हुई मोदी जी के राज के अंदर, अमित शाह जी के इशारे पर सीबीआई ईडी सबको मालूम है किस रूप में काम कर रही है, तो ये कोई नई बात नहीं है। छापे पड़ने पहले जमाना था, जब छापे पड़ते थे तो छापा पड़ने के बाद में मालूम पड़ता था अम्मू के घर छापा पड़ गया है। अब ऐसी स्थिति है, 3-4 दिन पहले खबर लग जाती शहरों के अंदर छापे पड़ने वाले हैं, और उसी रूप में छापे पड़ रहे हैं। इन छापों से ना हम घबराने वाले हैं, ना हमारा मिशन जो है वो रुकने वाला है। हम बीजेपी की जो नीति है, उसके कार्यक्रम, उसके सिद्धांत जो देश को बर्बाद करने वाले हैं, फासिस्ट लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, इसका मुकाबला करने का दमखम आज भी तो कांग्रेस के अंदर है। इसमें कोई दो राय नहीं, कांग्रेस 44 पे भी आ गई, पूरे मुल्क में कांग्रेस जन, हर घर में कांग्रेस की भावना, बल्कि कहना चाहिए कि जो लोग समझदार हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे किसी पार्टी के हों, वो भी जानते हैं कि कांग्रेस एक मजबूत दल के रूप में रहनी चाहिए। सरकारें आती है जाती रहेगी, पर तो कांग्रेस की मजबूती देश की मजबूती है, ये सोच के हम लोग राजनीति कर रहे हैं, और उसी रूप में एकजुटता से कांग्रेस आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी के जो इंटरेक्शन हो रहे हैं देश और विदेश के अंदर, विषयवार हो रहे हैं, हर विषय पर हो रहे हैं, देश सुन रहा है, उनको भी सुन रहा है, वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या उनकी खुद की सोच है। तो मोदी जी अच्छे वक्ता हैं, एक सीमा तक आप जनता को प्रभावित कर सकते हो, चाहे ताली बजवा दी हो, थाली बजवा दी हो, बैंड बजवा दी हो, मोमबत्ती लगवा दी हो, एक हद तक सब ठीक है। अल्टीमेटली मुल्क समझता है कोरोना है, कोरोना महामारी है, महामारी और भयंकर महामारी है, खतरनाक महामारी है। उसके अंदर जो केंद्र राज्य सरकारों को मिलके इसका मुकाबला करना चाहिए था, किया भी है, आगे भी करना चाहिए। उससे हटकर आप लोगों ने सरकार भंग कर दी, टॉपल कर दी मध्य प्रदेश की, उसके पहले हो चुकी थी कर्नाटक की। कोरोना के चलते हुए हम तो पूरी तरह ताकत लगाए हुए थे, 24 घंटे, आप सबको मालूम है, पूरे प्रदेशवासी साथ थे, सबको मैंने साथ लिया, विपक्षी पार्टियों साथ लिया, 21 घंटे मैंने वीसी करी विधायकों के साथ में, तमाम बीजेपी विधायक थे, एमपी थे, सबने मिलकर हमने माहौल बनाया, धर्मगुरुओं से बातचीत करी, डॉक्टर से बातचीत करी, एक्टिविस्ट से बात करी, राजस्थान का माहौल पूरे देश में अपने चर्चा का विषय रहा, वो मुकाबला हम कर रहे थे, आज भी हम कर रहे हैं। उसके बीच में आप सरकार को टॉपल करने के लिए हमारे कुछ साथियों को गुमराह करके ले जाओ और हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से आप सरकार को टॉपल कर दो। जब लोगों के जीवन बचाने का संकट हो, जिंदगी जारी हो, लोग मर रहे हैं, 500 लोग यह भी मर चुके हैं, हजारों मर रहे हैं देश के अंदर, उसके अंदर आप राजनीति करो, सरकार बदलो, टॉपल करो, जनता इनको माफ नहीं करेगी, ना देश की ना प्रदेश की। ये सीएम को चिट्ठी लिखी है, सीएम को चिट्ठी लिखी है, कल आप प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी मैंने लिखी है, मैंने कहा कि डेमोक्रेसी है, संघीय ढांचा है, प्रधानमंत्री जी कल ये नहीं कहते मुझे जानकारी नहीं थी या मुझे अधूरी जानकारी दी गई मेरे लोगों द्वारा, कल कभी मैं उनसे मिलूं तो मुझे ये नहीं कहे कि भाई ये बात मुझे मालूम नहीं थी। तो मैंने कहा कम से कम मैं लिख के भेजूँ, मैंने टैग भी किया उनको, कल वो ये नहीं कहेंगे साहब मुझे जानकारी मेरी पार्टी दी नहीं थी इसलिए ये सब कुछ हो गया।
वो स्पष्ट करने के लिए मैंने प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब को मैंने पत्र लिखा है वो रिकॉर्ड में लाने के लिए। 3 दिन तक मैंने उसको जारी नहीं किया आपके सामने, कल जाके मैंने उसको तय किया और ट्वीट किया। मैं समझता हूँ अब भी प्रधानमंत्री जी और उनके साथी लोग अब तो पकड़े गए हैं। जब आपको ऑडियो टेप सही है, दुनिया की कोई ताकत, हमें तो अमेरिका भेज देंगे FSL के लिए, अगर देखेंगे भाई कि राजस्थान की सरकार को विश्वास नहीं है, राजस्थान में FSL को विश्वास नहीं है जांच की, दिल्ली में विश्वास नहीं है हम लोगों को, तो अमेरिका की जो शानदार एजेंसी है FSL की, वहाँ भेज के वो इसकी टेस्ट करवा देंगे। वो वॉइस टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको चाहिए आगे आके अपना वॉइस टेस्ट करवाएं। वैसे तो जो केंद्रीय मंत्री हैं MLMP उनकी वॉइस टेस्ट होती है, हम लोग इतनी जगह स्पीच देते हैं तो सबको मालूम है कि बिल्कुल ही आवाज़ उनकी है, दुनिया मानती है, प्रदेश मानता है, जनता मानती है। फिर भी बचाव करने के लिए आदमी पहला ही रिएक्शन देता है मेरी आवाज़ नहीं थी। और धमकी भी दे रहे हैं लोगों को, धमकी दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। कोई चलने वाला नहीं है, सत्य की जीत होगी, विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने जो जारी किया नोटिस, वो नोटिस ले सकते हैं क्या? वो इस पे वो बहस हो रही पूरी। एंटी डिफेक्शन बिल एक्ट दूसरा बना हुआ है, विधानसभा चलेगी, जल्दी हम बुलाएंगे उनको, उसमें हम कोरोना की बात भी करेंगे, पॉलिटिकल बात भी करेंगे, सब बातें करेंगे। सर क्या ये लोगों में चर्चा है, कुछ बड़ी गिरफ्तारियां होगी जिन्होंने गलत किया है? देखिए जैसे ही हम लोग उसको तय कर लेंगे, सबसे पहले सूचना किसको आएगी, किसको आएगी? आप लोग आएंगे। सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर टकराव की स्थिति बन रही है, इससे बचना चाहिए। हम तो जुडिशरी का सबसे ज्यादा सम्मान करने वाले लोगों में हम लोग हैं, हम कभी जुडिशरी में इंटरवेन नहीं करते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते, ना हम लोग कभी सोचते हैं किसी को करना चाहिए। ये जुडिशरी ऐसी है जहाँ पर एक गरीब आदमी भी, अमीर आदमी भी, कोई व्यक्ति जाके न्याय प्राप्त कर सकता है। जब जुडिशरी में विश्वास खत्म हो जाएगा तो फिर देश कैसे बचेगा? क्योंकि आप देख रहे हो कि चाहे वो कार्यपालिका हो कि शिकायत आती है, आप देखते हैं विधायिका हो वहाँ कई बिल पास होते हैं रुक जाते हैं जुडिशरी के अंदर। चौथा स्तंभ आप खड़े हो, चौथे स्तंभ पे हमारा बहुत यकीन है, विश्वास है, बचपन से ही है, बचपन से ही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं आज तक पहुँचा हूँ यहाँ पर, तो पूरी मीडिया ने मेरा साथ दिया आज तक, और सच्चाई का साथ दिया। मेरा साथ दिया मतलब मैं सच्चाई पर चला हूँ लाइफ के अंदर, सच्चाई पर चलना चाहता हूँ आगे भी। मीडिया से मेरी कोई शिकायत नहीं है, पर हाँ आज मीडिया गोदी मीडिया बन गया है, आज मीडिया दबाव के अंदर है, आज मीडिया कोरोना के बाद में और संकट में आ गया है। जो राज्यों में है वो तो ज़्यादा संकट में आ गया है, क्योंकि तनख्वाह देने भी डाले पड़ रहे हैं उनको, खुद को, अपने संवाददाताओं को, स्टाफ को, स्टाफ निकला जा रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है ऐसे वक्त में कि आप लोगों कितनी तो तनख्वाह होती होगी, किस प्रकार कठिन समय में काम करते हो, तनख्वाहें कम हो रही हैं, निकाल रहे हैं लोगों को, फिर वो बोल नहीं पा रहे क्योंकि स्वाभिमानी लोग हैं वो लोग। ये सब बातें मेरे जहन में हैं। देश में मीडिया को हिम्मत करनी चाहिए, आगे आना चाहिए, सच्चे के साथ देना चाहिए। सच्चे के साथ देंगे तो मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी बढ़ जाएगी देश के अंदर, वरना तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अगर ये फैसले होते गए एक तरफा देश के अंदर, जो अभी 6 साल में हो रहे हैं, पता नहीं मुल्क को किस दिशा में ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। सर लोगों में चर्चा है कि कुछ बड़ी गिरफ्तारियां होगी जिन्होंने गलत किया है, तो क्या कि बड़ी गिरफ्तारियां होगी जिन्होंने गलत किया है, बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है कुछ लोगों की जिन्होंने गलत किया है? मैं कौन होता हूँ भैया, कानून अपना काम करता है। थैंक यू कोर्ट ने नोटिस दिया है सर SOG को जांच करने के लिए, उसमें मुझे मैं कोर्ट के कामों में या एजेंसियों के कामों में मैं हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। अगर मैं आरोप लगाता हूँ CBI, ED, इनकम टैक्स अगर मोदी जी के, उनकी सरकार के प्रभाव में काम करते हैं, नहीं करना चाहिए,
तो मैं कौन होता हूँ राजस्थान की एजेंसियों पे हस्तक्षेप करने वाला, ये बात कर। सर एक सवाल, धन्यवाद सर, एक सवाल ये कि विधानसभा में अगर सचिन पायलट उनके साथी आते हैं, धन्यवाद। पूरा मर गया ना फिर, वो चालू नहीं था क्या अपना? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे हैं फेमोंट में। वापस